नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। सबसे पहले मैं सम्यक संबुद्ध को कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात अपने गुरु भंते जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ। उसके बाद इस धम्म देशना में आए, धम्म देशना सुन रहे सभी उपासक उपासिकाओं का मैं अभिनंदन करता हूँ। भगवान बुद्ध के जीवन काल में घटी हुई प्रमुख घटनाओं को लेकर के जो धम्म देशना की श्रृंखला चल रही है, इसी श्रृंखला में एक बहुत ही जाना माना नाम, बहुत ही मशहूर नाम, बहुत ही पुण्यशाली नाम है, जिसे आप लोगों ने सुना होगा, वो नाम है आम्रपाली। आम्रपाली को वैशाली जनपद की, वैशाली की नगर वधु कहते थे, गढ़िका कहते थे, कुछ ने नृतांगना भी कहा उसको। इस प्रकार से अलग अलग नामों से उसको जाना जाता था। और आम्रपाली के आम्र वन में भगवान बुद्ध एक बार रुके भी थे। वहाँ के जो राजकुमार थे, उसको कहते थे लच्छवी। लच्छवियों का वह क्षेत्र था वैशाली, बहुत प्रसिद्ध और बहुत ही नामचीन नाम रहा है। तो भगवान बुद्ध एक बार मगध नरेश बिंबिसार के यहाँ से वैशाली की ओर आए। तो जब वैशाली की ओर आए तो उस वैशाली में जनपद कल्याणी आम्रपाली से भी मुलाकात हुई। और यह जान करके कि भगवान बुद्ध का प्रभाव, भगवान बुद्ध के प्रभाव में आकर के बहुत सारे राजे महाराजे भगवान बुद्ध के अनन्य शिष्य बन गए, उपासक बन गए। तो उपासक और शिष्य बनने के बाद आम्रपाली से बड़ी प्रभावित रही। और आम्रपाली एक बार जब उसको मगध नरेश बिंबिसार ने बुलाया था, तो एक रात के लिए आम्रपाली राजगीर भी गई थी। और राजगीर में मगध नरेश बिंबिसार के संपर्क में आने के बाद उसने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम था विमल कौंडिन्य। जब उसे खबर मिली कि मेरा बेटा पुत्र विमल कौंडिन्य भगवान बुद्ध के संपर्क में आने के बाद वो उनका अनन्य भक्त बन गया, और राजा बिंबिसार भी अनन्य भक्त बन गए, तो उसको अपने काम पर घृणा सी होने लगी। जो काम वो करती थी, गणिका का काम करती थी या जनपद कल्याणी का काम करती थी, नृत्यका का काम करती थी, उसे अपने काम से थोड़ी सी नफरत होने लगी। बहरहाल वो भगवान बुद्ध के संपर्क में आई
और भगवान बुद्ध जब वैशाली पहुंचे तो जनपद कल्याणी का जो आम्रबन था वहीं रुके हुए थे। और जैसे ही सूचना मिली वैशाली वासियों को, लच्छवियों को सूचना मिली, तो लोग उनसे मिलने आने लगे। लेकिन सबसे पहले मिलने के लिए वहाँ आम्रपाली पहुँची। जैसे ही खबर मिली सबसे पहले आम्रपाली मिलने के लिए पहुँची, और आम्रपाली ने मिलकर के भगवान बुद्ध से और आप जानते हैं कि भगवान बुद्ध का पहला भोजन, अंतिम भोजन बड़ा महत्व का रहा है। पहला भोजन किसके यहाँ किया, अंतिम भोजन किसके यहाँ किया, बहुत अपने आप में बड़ा महत्व का रहा है। तो ये भी एक विषय रहा है जो बहुत ज़्यादा चिंतन का विषय रहा है, और इसका अपना एक महत्व रहा है। तो आम्रपाली ने जाकर के भगवान बुद्ध को अपने अगले दिन के भोजन के लिए आमंत्रित किया, और भगवान बुद्ध ने मौन रह करके स्वीकार कर लिया और स्वीकृति दे दी। वैशाली में भगवान बुद्ध आए, उनके आने का प्रथम भोजन, उनके आगमन पर प्रथम भोजन ये बहुत मायने रखता था। तो उसको ये यकीन नहीं हो रहा था कि मतलब भगवान ने मुझे परमिशन तो दे दी है, अनुमति दे दी है, लेकिन बड़ी खुशी थी, बड़ी प्रसन्न थी। उस प्रसन्नता के मारे, खुशी होने के मारे वो जब लौटी अपने निवास स्थान पर, तो निवास स्थान पर जब वो गुजर रही थी तो वहीं से भगवान बुद्ध से मिलने के लिए राजकुमार भी गुजरे। तो जानते हैं कि जब राजकुमार गुजरते हैं, राजकुमार कहीं चलते हैं या राजा चलता है, तो उनके लिए रास्ता बड़ा साफ हो जाता होता रहता है। मतलब उस रास्ते में सभी जो जो बैलगाड़ी चलने वाले या और चलने वाले जो लोग होते हैं वो सब के सब रास्ता छोड़ देते हैं और वो रास्ता उनका साफ हो जाता है। परंतु राजकुमारों के आगे चलने वाली जो गड़िका थी, मतलब जो आम्रपाली थी, वो आम्रपाली रास्ता देने को तैयार नहीं थी। उसने रास्ता नहीं छोड़ा। वो मिलने जा रहे थे और जब वो मिलने जा रहे थे और आम्रपाली मिल के वापस आ रही थी, तो आमना सामना जब हुआ तो रास्ता नहीं छोड़ा। रास्ता नहीं छोड़ा तो राजकुमारों के जो रथ थे, वो रथ के जो पहिए थे, वो पहियों से पहिए टकरा गए, धुरी से धुरी टकरा गई और जुए से जुए टकरा गए। यह देखकर राजकुमार बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि ये आम्रपाली को क्या हो गया, आम्रपाली ने हमको रास्ता नहीं दिया। तो अचानक वो ऐसा सोच करके पूछ ही लिया उन्होंने कि आम्रपाली तुम्हें क्या हो गया, ये तुमने जो है रास्ता क्यों नहीं छोड़ा। तो आम्रपाली ने उत्तर दिया कि तुम्हें नहीं मालूम कि कल के भोजन के लिए भगवान बुद्ध ने मुझे स्वीकृति दे दी है और कल भगवान बुद्ध का भोजन मेरे घर पर है। ये बात सुनकर के, क्योंकि वो भी भगवान बुद्ध को भोजन के लिए निमंत्रण देने के लिए जा रहे थे, और भगवान बुद्ध के जीवन में पूरे जीवन निकल गया, उस जीवन में यही रहा कि जिसका भोजन उन्होंने पहले स्वीकार कर लिया, फिर किसी भी कीमत पर अपने भोजन को बदलते नहीं थे। तो ये जान करके उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान बुद्ध के स्वभाव के मुताबिक या उनके विनय के मुताबिक वो इसको बदलेंगे नहीं, कि आम्रपाली का भोजन बदल देंगे, नहीं बदलेंगे। तो उन्होंने आम्रपाली के सामने ही एक ऑफर रखा कि हम आम्रपाली तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्रा देंगे, 100 स्वर्ण मुद्राएं देंगे, नहीं 100 नहीं, 1 लाख, 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देंगे, 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देंगे। और तुम जो है
ये जो भगवान बुद्ध का भोजन है वो भोजन का मौका हमको दे दो। हम भगवान बुद्ध को भोजन दान के लिए आमंत्रित करने जा रहे हैं। आम्रपाली की बात सुनकर के और राजकुमारों की बात आम्रपाली ने सुनकर के ये तो महसूस कर लिया आम्रपाली ने कि जहाँ उसे 50 रुपये एक रात्रि व्यतीत करने के लिए मिलते थे, 50 रुपये नहीं 50 मुद्राएं, उस समय मुद्राएं चलती थी, तो जब 50 मुद्राएं उनको मिलती थी और 50 मुद्रा में वो अपनी एक रात व्यतीत करती थी किसी के साथ, ऐसी आम्रपाली को 1,00,000 मुद्राएं देने का ऑफर जब आया, 1,00,000 मुद्राएं देने की के लिए जब राजकुमारों ने कहा, तो राजकुमारी तो आम्रपाली ने कहा कि राजन एक लाख मुद्राएं तो क्या, यदि लिच्छवी अपना पूरा राजपाट भी मुझे दे दें तो भी भगवान बुद्ध के भोजन दान को मैं किसी को दे नहीं सकती। इतना बड़ा महत्व था भगवान बुद्ध के भोजन दान का। अंत में लिच्छवी राजकुमार रह गए, उनकी 1,00,000 मुद्राएं भी काम नहीं आई और आम्रपाली ने भोजन दान के बदले में 1,00,000 मुद्राएं अस्वीकार कर दी। और यहाँ तक कि लिच्छवी भी अपना राजपाट भी दे देंगे तो भी मैं 1,00,000 मुद्राएं तो क्या, राजपाट भी दे देंगे तो भी मैं भगवान बुद्ध के भोजन दान को नहीं दे सकती। ये सुनकर के सारे राजकुमार राजित हुए और वो लिच्छवी राजकुमार परास्त हो हैरान हो गए और आम्रपाली अपनी विजय पर फूली हुई घर वापस लौटी। तो ये भगवान बुद्ध के भोजन दान का अपना महत्व था कि भगवान बुद्ध का भोजन दान कितना मायने रखता था, उसका अपना कितना महत्व था। ये भगवान बुद्ध के जीवन काल की, आम्रपाली के जीवन काल की, लिच्छवियों के जीवन काल की बहुत महत्वपूर्ण घटना है। इस घटना से एक बात समझ में आती है, विनय कितना ताकतवर होता है। भगवान बुद्ध का विनय था, भगवान बुद्ध का संकल्प था, उस संकल्प को उन्होंने अपने जीवन भर निभाया, अंत समय तक निभाया। और जिसका भोजन एक बार स्वीकार कर लिया तो किसी भी कीमत पर दूसरे का भोजन स्वीकार नहीं करते थे। इसी मंगल कार्य के साथ आपका भी मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी दीर्घायु हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो।